पृथ्वीराज। दोस्तों अक्षय कुमार जी ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पृथ्वीराज फिल्म के अनाउंसमेंट टीजर के रूप में पूरे देश को एक बहुत बड़ा बहुत ही शानदार ऐसा उपहार दिया है। मैं इस टीजर को देखकर कितना खुश हूँ आपको बता भी नहीं सकता। दिल्ली सिंहासनस्थ प्रखर हिंदू सम्राट राजाधिराज महाराज पृथ्वीराज पधार रहे हैं, ये सुनकर पूरे शरीर पर ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने सुबह से कितनी बार इस टीजर को देखा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जितनी भी बार मैंने इस टीजर को देखा हर बार उसी प्रकार से पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। बहुत खुशी की बात है कि बॉलीवुड अब हमारी पहचान हमारी संस्कृति को गर्व से दिखा रहा है। नहीं तो पहले बॉलीवुड को अपनी ही देश की संस्कृति पर अपनी ही पहचान पर जैसे शर्म सी महसूस होती थी, ऐसा फिल्मों को देखकर लगता था। पर अब बॉलीवुड में बदलाव हो रहा है ये देखकर मुझे बहुत खुशी है। हमारी संस्कृति की पहचान भगवा ध्वज, जिसकी रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, संभाजी महाराज जी, गुरु तेग बहादुर जी, चार साहबजादे, बंदा सिंह बहादुर जी, राजा कृष्णदेव राया जी या अनगिनत महान रणरागिनियाँ जिन्होंने हमारी संस्कृति की पहचान भगवा ध्वज के लिए अपना बलिदान दिया, उस भगवा ध्वज को शान से लहराता हुआ देखकर किस भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा नहीं होगा आप बताइए। और ऐसे अनगिनत महापुरुषों ने जिन्हें हम धरती के देवी देवता भी कह सकते हैं, उन्होंने इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उसी वजह से आज हमारी पहचान बची हुई है। और पृथ्वीराज चौहान जी दुनिया के ऐसे ही सबसे महान सम्राटों में से एक है जिन्हें भारत में इस्लामिक आक्रमण से पहले का सबसे अंतिम हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। उनके बारे में विकिपीडिया पर क्या लिखा है मैं संक्षेप में आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजयमेरु यानी आज का अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे, वे भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, सपाल दक्षेश्वर, राय पिथोरा इत्यादि नाम से प्रसिद्ध है। भारत के अंतिम हिंदू राजा के रूप में प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान जी 1235वीं विक्रम संवत्सर में 15 वर्ष की आयु में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। पृथ्वीराज जी की 13 रानियां थी, उनमें से संयोगिता प्रसिद्धतम मानी जाती है। पृथ्वीराज जी ने दिग्विजय अभियान में 1177 वर्ष में भदानक देशीय को 1182 वर्ष में जेजाक भुक्ति शासक और 1183 में चालुक्य वंशीय शासक को पराजित किया। इन्हीं वर्षों में भारत के उत्तर भाग में घोरी नामक गोमांस भक्षण करने वाला योद्धा अपने शासन और धर्म के विस्तार की कामना से अनेक जनपदों को छल से या बल से पराजित कर रहा था। उसकी शासन विस्तार की और धर्म विस्तार की नीति के फलस्वरूप 1175 वर्ष से पृथ्वीराज का घोरी के साथ में संघर्ष आरंभ हुआ। उसके पश्चात अनेकों लघु और मध्यम युद्ध पृथ्वीराज और घोरी के बीच में हुए। विभिन्न ग्रंथों में युद्ध संख्याएं मिलती है, वे संख्याएं 7, 17, 21 और 28 है। सभी युद्धों में पृथ्वीराज ने घोरी को बंदी बनाया और उसको छोड़ दिया, परंतु अंतिम बार नारायण के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को रात के अंधेरे में छल कपट से बंदी बना लिया। उसके पश्चात घोरी ने पृथ्वीराज को कुछ दिनों तक इस्लाम स्वीकार करवाने का प्रयास घोरी ने किया। उस प्रयास में पृथ्वीराज जी को अनेक शारीरिक पीड़ाएं दी गई। शारीरिक यातनाएं देते समय घोरी ने पृथ्वीराज जी को अंधा कर दिया था। अंध पृथ्वीराज जी ने अपने मित्र चंद्र बरदई के साथ मिलकर घोरी का वध करने की योजना बनाई। योजना के तहत हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्दभेदी विद्या से तीर छोड़कर मोहम्मद घोरी का वध कर दिया था। तो दोस्तों ऐसे शूरवीर महापराक्रमी पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन पर फिल्म बन रही है ये देखकर सच में मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी हैं जो इसके पहले चाणक्य, उपनिषद गंगा, छत्रपति शिवराय इन जैसी टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट कर चुके हैं और साथ में ही मोहल्ला 80 के भी वे डायरेक्टर है। यानी वे हमारी भारतीय सभ्यता को संस्कृति को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस फिल्म को ज़रूर न्याय देंगे। और दोस्तों यकीन मानिए अगर ये फिल्म सही से बन गई ना, मतलब बाहुबली की तरह एक बहुत ऐसी भव्य फिल्म जिसमें हमारी संस्कृति सभ्यता का सम्मान किया गया हो, जो हमारे इमोशंस को छूती हो, ऐसी अगर ये फिल्म बन गई ना तो यकीन मानिए ये फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगी। बॉलीवुड के आज तक के बने हुए सारे के सारे रिकॉर्ड्स ये फिल्म तोड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट में कोई कमी नहीं रहेगी और जितनी भव्य वो इस फिल्म को बना सकते हैं बनाएं, लोग ज़रूर इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। बस इतिहास के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और वो नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है, विश्वास है।
और YRF की एक बहुत अच्छी उन्होंने चुनाव किया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को, इस फिल्म का दिग्दर्शक उन्होंने बनाया है, तो वे ज़रूर इस फिल्म को न्याय देंगे ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी दोस्तों आपको इस फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।